अशर को देख के हमारी फर्स्ट फीलिंग ये थी, हम भी अशर जैसा जल्दी लाएंगे। तो फाइनली शगनों की घड़ी आ गई है, हम जा रहे हैं अशर का फर्स्ट फेस्टिवल मनाने, फर्स्ट सेरेमनी करने। कहाँ जा रहे हैं हम? अशर के कार्निवल में। ये लेके चलते हैं। तो पहले हमें अशर और उसके डैडी की ड्रेस पिक करनी है, आउटफिट जो है पहनने वाले। कल ट्रायल में क्या किया था इसने हर्ष? देख ले भाई क्या किया था इसने? भाई कल सारा दूध निकाल दिया। तो अभी हम जेनिथ जा रहे हैं, निशांत भैया ने बहुत ही प्यार से इसकी आउटफिट फिर से ठीक करवा के एकदम बढ़िया करवा के रखी है। चलते हैं, दोनों की आउटफिट्स उठाते हैं और वेन्यू पहुंचते हैं। ये होने वाला मेरा आउटफिट? नहीं नहीं ये नहीं, ये होने वाला है ना भैया, आप ही करो। हाँ श्री गणेश। ये कुछ प्रेरणा के आउटफिट से मैच करने के लिए ऐसा कुछ रखा है, और अशर का भी ऐसा ही सेम है। ये आ गया बेबी का, ये देखो। वाह थैंक यू भैया, सब आपकी हेल्प की वजह से। देखते हैं फाइनल लुक अशर का और मेरा कैसा रहता है। फाइनली रूम में आ गए हैं, अशर के फंक्शन की स्टार्ट हो गई है। बल्ले बल्ले बल्ले, ओए अशर तेरा फंक्शन है काके। चलो भाई हॉल देखने चले। साइड साइड प्लीज पापा पापा, बहुत एक्साइटमेंट है। ओह माय गॉड, हम यहाँ आ गए हैं जहाँ पे फंक्शन होने वाला है अशर का। तो यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा अशर लिखा हुआ है, साथ में हमारे चूहे का शेर बनाया हुआ है। अशर तेरा शेर देख ले। प्रिपरेशन अभी चल ही रही है, ऑनगोइंग है। 4 बजे हैं, 7 o'clock बज रहे हैं, 3 घंटे हैं, हो जाएगी प्रिपरेशन। वाह यार शेर। और अच्छा यहाँ पे मैंने बोला था यूनिकॉर्न वाला ऐसे लगाने के लिए, बड़ा क्यूट लग रहा है। हेलो गौरव भैया, नाइस यार। भैया सुबह से लगे हुए, भैया सुबह से लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने फंक्शन की तरह कर रहे हैं बिल्कुल, है ना। और प्रदीप जी जिन्होंने ये सब कुछ पॉसिबल कराया। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। वेलकम टू अशर्स कार्निवल। अभी सब कुछ वेल पुट टुगेदर हो रहा है, आई थिंक टाइम लगेगा अभी थोड़ा। जिराफ असली क्या देखें? जिराफ ज़ेब्रा सब लगा दिया हमने है। यहाँ से एंट्री होगी अशर के कार्निवल में। ओ वहाँ पे अशर का स्टेज है। अशर देख तो सही, अपने इनपुट्स तो दे। कह रहे अभी मैं बड़ा होके दूंगा बताऊंगा। अच्छा मम्मी पापा तुमने मेरे ऐसे अरेंजमेंट्स कराए थे। वेरी प्रिटी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा प्रिटी, उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। फाइनल आउटपुट तो हमें शाम को ही पता लगेगा। जितना भी पुट टुगेदर हुआ है बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। इट हैज कम अक्रॉस रियली वेल, और हर आइटम हर चीज हर पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है। और यहाँ पे हमारा डीजे स्टेज है, यहाँ पे सब अपनी विशेज लिख सकते हैं। ये ऐसा भी दिखता था। ये सारी वो चीजें हैं जो अशर को पसंद है बेसिकली। बढ़िया, बहुत बड़ी, अच्छा लग रहा है। बड़ी मेहनत करी है सबने, सबने बहुत मेहनत करी है एक्चुअल में। KNCPT डेकोर। और बाय द वे फाइनली बता देते हैं, वेन्यू हमारा है क्राउन प्लाजा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये अशर के लिए पॉपकॉर्न टेबल है जो अशर नहीं खा पाएगा। अशर तो खाता ही नहीं। हाँ, और फिर एक कैंडी फ्लॉस है, वो भी ये खाता नहीं। वो कह रहे पर मेरे फ्रेंड्स तो खाएंगे, इसके कितने सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं। अच्छा यहाँ पे हमने गेम्स रखी हुई है, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। सो एक्चुअल में कार्निवल वाली फील तो आ गई है, बट अभी क्या है पूरा शाम को पता लगा। ये देखो यहाँ पे शुरू हो गया, पता नहीं क्या कर रहे पॉपकॉर्न के साथ। ये हमारे सेंटर टेबल पे हमने कॉन्सेप्ट रखा था कि पॉपकॉर्न लगाएंगे, ऐसे पॉपकॉर्न खा लो आप। बहुत अमेजिंग लग रहा है ये भी। आई थिंक काफी ज्यादा एस्थेटिक और इंटरेस्ट वर्थी होने वाली है ये पार्टी। तो हमारे फंक्शन पे काफी सारे बच्चे आने वाले हैं, तो हमने सोचा कि अब हम भी खुद बच्चे वाले हैं, तो हमें एक्चुअल में ऐसा फंक्शन करना चाहिए जिसमें बच्चे बहुत एंटरटेन हो और बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन जाएंगे। अब मैं ऑफिशियल एंट्री करने वाला हूँ अशर के कार्निवल में। ओ अशर तेरे कार्निवल में एंट्री ऐसे होने वाली है सबकी। पापा की तो हो गई, मैं बाद में करवाऊंगी। इसके लिए भी छोटे वाले भी है, नाइस यार। कैरेक्टर्स में आने वाले हैं गोरिल्ला, स्नोमैन, उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा भी आएगा? उल्टा ही देखना पड़ेगा, ये पूरा हॉल कहीं उल्टा पुल्टा ना हो जाए। आशीष भी हमारी फोटोग्राफी करने वाले हैं, बट अभी मैं इनकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रही हूँ। चलो इनकी वाइफ आज मेरा मेकअप करने वाली है। अब देख लो ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो गया, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई वो मेरी जिम्मेदारी है बिल्कुल। रूम से अगर ऊपर से आएंगे तो यही वे है ना। यहाँ पे अशर की एंट्री डिस्कस हो रही है, तेरी एंट्री डिसाइड कर रहे हैं हम। तो हम इस पे परियां लेके आ रहे हैं साथ में? नो परियां, ओनली कैरेक्टर्स। ओके कार्टून कैरेक्टर्स। भाई बहुत ही मगजमारी करनी पड़ती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ये ऐसे वो वैसे, एंट्री ऐसे, खाना ऐसे, डेकोरेशन ऐसे, टिकट एनकाउंटर वैसे, बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। मैं एक्साइटेड हूँ सारे कैरेक्टर्स देखने के लिए, गोरिल्ला आने वाले। इसकी डिस्कशन नहीं खत्म हो रही, मेरे मेकअप का टाइम निकल जाएगा। चल यार, तो यहाँ पे अब हमारा मेकअप स्टार्ट होने वाला है। कौन कर रहा है आज हमारा मेकअप? ब्लश ऑन चीक्स। ऑलरेडी ब्लश है इनके चीक्स पे। और हमारा हेयर करने वाले हैं ये कौन? कौन? मानसी। भाई अभी पता लग जाएगा कि कैसा होने वाला है, फिर आपको बताना 10 में से कितने पॉइंट्स। देखो आपका टेस्ट होने वाला है आज यहाँ पे। तो अशर को मिलवा लाए प्रेरणा इसकी नानी, नहीं पढ़ नानी से। बिल्कुल भाई जाओ। हैं? बिल्कुल। चलो अशर आपको आपको मिलाते हैं आपकी पढ़ नानी से। आओ जी 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 आओ ज
अब नानी नहीं डबल नानी है, पढ़ नानी। आजा मम्मा दी नानी। अच्छा अक्षर किस पे गया, मुझ पे प्रेरणा पे? प्रेरणा जैसा लग रहा है ना? नहीं पता नहीं लग रहा है ना। अशर के रेडी होने का, हर्ष रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, अब अशर रेडी होगा। अभी अशर के चाचू चाची और ब्रदर इवान, इवान तो सबको याद ही होगा, आए हैं, बट यार ये ना सो गया है। तो कैसा लग रहा है तुम्हें अपने न्यू न्यू प्रोडक्ट से मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें लग रहा है हमें दोबारा प्लान करना पड़ेगा। बहुत सुपर क्यूट है। ओ, चाची के लिए सुपर क्यूट है। सुपर क्यूट है। इवान कैसे हैं भैया? अच्छे। अभी चैलेंज वीडियो बनेगी? अभी मजा आएगा ना भिड़। गाइस आप क्या चाहते हो, अब इवान और अशर के साथ कौन सी वीडियो बनाई जाए? आइडियाज बताओ कमेंट से, अगर आपको बनना है सब्सक्राइबर ऑफ द वीक। पहले आप बेबी थे, अब आप बाबा हो गया। अब ये बेबी है और वो अशर बेबी है। ओ, कोई नहीं, अब इवान का बिग ब्रदर है, तो बिग ब्रदर टाई भी पहनेगा आज। चलो फाइनली टाइम हो गया हमारी एंट्री का। अपने इस क्यूट से प्रिंस को पैप्स के बीच में से ले जाते हैं और मस्त सी एक एंट्री करते हैं, क्योंकि पूरा परिवार वेट भी तो कर रहा है अशर को देखने का। समझावा तेनू प्यार दिया राहां विच, यार दिया बाहां विच वे, सजन जे साथ ना होवे, लोका दे तानिया दा वी यार नू गम ना होवे, अखियां विच चेहरा होवे जे होवे तेरा होवे। क्यों ना करा दस प्यार वे मैं तेरे ना, जिंदगी हसीन बस यार इक तेरे ना, मंगा रब खोलो खुशी या मैं तेरी। मैं बहुत प्यार करती हूँ उसको, और जब मैं देखती हूँ तो मेरे को प्रेरणा याद आती है, क्योंकि प्रेरणा भी ऐसी थी जब छोटी होती थी। अशर मेरी जान है, हमारी भी, मैं उसको अपने अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। ये बात, यू नो, अशर जब भी पैदा हुआ था और मैं उससे मिलने गया था हॉस्पिटल में, मुझे उसको देख के ऐसा लग रहा था, डर सा लग रहा था कि कितना छोटा सा है, मतलब वो लिटरली ही वॉज लाइक जस्ट दिस बिग। एंड फिर अभी 3 months लेटर ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया है वो, और अभी हमने फाइनली उसका ये फंक्शन कर रहे हैं। बाई गॉड, एक तो हमारी फैमिली में पता नहीं पिछले 3-4 साल से ऐसा कोई फंक्शन हुआ ही नहीं है जिसमें इतना खुल के नाच सके, एकदम ना ऐसा वो वाला हो गया, क्या बोलते हैं उसको, डिटॉक्स नहीं होता, डिटॉक्स टाइप हो गया मैं, फॉर रियल 2 घंटे नाचा हूँ मैं, नॉन स्टॉप भांगड़ा किया, डांस किया, हर टाइप का बॉलीवुड सब कर दिया मैंने। वो कितना क्यूट है वो, मतलब ऐसा मैं उठा लेता हूँ ना तो सारे मुझे बोलते रहते हैं कि भाई हमको भी पकड़ा दो, नहीं अशर मैं ही पकड़ूंगा। तो आई थिंक ये वाली वीडियो में भी शायद लोग रियलाइज़ करेंगे कि सबसे ज़्यादा उसको मैंने ही पकड़ा हुआ, मेरा मन ही नहीं करता उसको छोड़ने का। मुझे लगता है काफ़ी, मतलब यू नो, वो दिखता भी मेरे जैसा है काफ़ी, उसके फीचर्स वगैरह, जैसे आँखें उसकी बहुत बड़ी बड़ी है, मेरी बचपन में आँखें बड़ी थी, अभी इतना पता नहीं, मुझे बस ये बोलना है कि अशर यू आर वेरी क्यूट एंड आई लव यू। आई थिंक आई वुड बी हैप्पी
अगर वो थोड़ा सा एथलेटिक यू नो थोड़ा सा स्पोर्ट्स वगैरह में जाए एंड कुछ कंट्री के लिए कुछ अच्छा करे, जो मैं नहीं कर पाया. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है, बट मैं स्विमिंग में ऐसा कुछ कर नहीं पाया. बट आई वुड बी हैप्पी अगर अशर स्विमर बने और वो यू नो इंडिया के लिए मेडल लेके आए. बाकी उसका जो मन करे, उसको स्विमर बनना है, यूट्यूबर बनना है, फुटबॉलर बनना है, क्रिकेटर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो मर्जी. तो हमारी पार्टी के एक बहुत ही मजेदार कैरेक्टर थे मजनू भाई और उनकी पेंटिंग्स. चलो आपको एक नमूना दिखाते हैं. भाई यहाँ पे मजनू भाई बैठे हैं, इतनी डेडिकेशन से स्केच बना रहे हैं. ये कौन सी लड़की बना रहे हैं बस समझ नहीं आ रही. भैया कौन बनाया आपने गहराई से इतनी? कौन है ये? ये तू है? Yes. ये तू है, तेरे दांत ऐसे हैं. अरे यार भैया यार क्या ड्राइंग करते हो यार, बहुत मजा आ गया. मजनू भाई, मजनू भाई आपके लिए दांत देनी पड़ेगी. मजनू भाई ये बता दे तू. भाई क्या वीडियो बने, तूने देखी नहीं? आई मीन वीडियो नहीं, फोटो चित्र बनाया. अरे मेगा हो तो सब डर गए यार. भाई तेरी बीवी की फोटो बनाई है हमने यहाँ पे. क्या बात कर रहे हो, रिएक्शन चाहिए, हमें रिएक्शन चाहिए. लाओ भाई वरमाला लाओ, वरमाला लाओ, दोबारा डालो. रोचक से लाए थे, हाय राम. और जब लाए थे ना तो लोग मजनू भाई क्या कर डाला. इसकी बनाओ, इसकी बनाओ. क्लास तेरी मेरे साथ जमती नहीं है, चकने में मुर्गा है नमकीन नहीं है. बंदी तेरी चार एक भी ढंग की नहीं है, छोटू वाइप तेरी मेरे जैसे फंकी नहीं है. देसी बंदे अपने साथ हुक्का जलाए, एमसीक्यू है जिंदगी हम तुक्का लगाए. छोटी छोटी बातों का ना मुद्दा बनाए, अगर भिड़ेगा तो दिल्ली वाले कुत्ता बनाए. अरे भाई 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 तुझे पचती नहीं है, घूमे धरती और टांगे तेरी चलती नहीं है. पिए जब तू संभलने चार बंदे चाहिए, नीट मांगता है कहे मुझे चढ़ती नहीं है. वो काट गई ना तेरा तुझे मना किया था, तुझे पहले ये हवाला दे के भला किया. बयान नहीं कर सकते आप, इतना छोटा सा मतलब मेरे से हाथों में भी नहीं आ रहा. ऐसा लग रहा था अभी तो हम इतने छोटे थे, अभी एक और छोटा आ गया हमारे हाथ में यार. अशर प्रेरणा का भी रूप दिखता है और हर्ष का भी दिखता है. हम भी दोनों का मिक्स हो गया, अशर बन रहा है. अशर बन रहा है बिल्कुल. हम तो आशा करते हैं कि अशर जो है हर्ष और प्रेरणा से भी बहुत हर्ष के गुण भी आए उसमें और प्रेरणा के नखरे भी आए. क्यों न करा जस प्यार में मैं तेरे ना, जिंदगी हसीन बस यार एक तेरे ना. मंगर अब खोलो खुशी या मैं तेरे दिन लंगड़ ना रात लंगड़ तेरे. मैं करता हूँ तो मतलब अच्छा लगता है. हाँ, सच में उसको उसकी पॉटी साफ करना भी बहुत अच्छा लगता है. ऐसा लगता है कि वही क्लीन रहना चाहिए. प्रेरणा का यही बिगाड़ेगी मेरे को पक्का पता है. सॉलिड बना के रखूंगा और एकदम कस के रखूंगा. मैं बहुत स्ट्रिक्ट होने वाली हूँ. मैं पैम्पर करेगी उसे. अभी भी इतना वो करती है, अगर वो थोड़ी देर नहीं सोता या थोड़ी देर दूध नहीं पीता, ये सोया नहीं है, सोया नहीं है, सोया नहीं है, इतना नहीं पैम्पर करती. ठीक है, नहीं करूंगी मैं पैम्पर. देसी बंदे अपने साथ हुक्का जलाए, एमसीक्यू है जिंदगी हम तुक्का लगाए. छोटी छोटी बातों का ना मुद्दा बनाए, अगर भिड़ेगा तो दिल्ली वाले कुत्ता बनाए. अरे भाई 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 तुझे पचती नहीं है, घूमे धरती और टांगे तेरी चलती नहीं है. पिए जब तू संभलने चार बंदे चाहिए, नीट मांगता है कहे मुझे चढ़ती नहीं है. सो अशर के लिए एक शेर. तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके. लव यू अशर, वी हैड अ ग्रेट पार्टी. लव यू, मिलते हैं फिर.